हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिज्ञासा सेशन में वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इश्यूज व्हिच हैपेंड इन दी प्रीवियस वीक सेवनटीन्थ में टिल ट्वेंटी थर्ड में इस टाइम पीरियड के अंदर एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इशूज़ हैं उनका डिस्कशन हम स्थापना सेशन के अंदर करने जा रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल

फ्रॉम शिप्स सो ये जो कन्वेंशन है इसको हम कोलोके uh, लैंग्वेज में मारपोल नाम से भी जानते हैं एम ए आर पी ओ एल दिस इज दी टर्म विच यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशंस बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या मैगज़ीन्स में जब भी आपको करंट अफेयर्स का इशू पढ़ेंगे वहां पे इस कन्वेंशन को मारपोल के नाम से ही जाना जाता है ठीक है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है मारपोल बेसिकली मीन द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स कन्वेंशन के बारे में तीन स्टेटमेंट गिवेन है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज दिन इंटरनेशनल कन्वेंशन कवरिंग प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल सो दिस स्टेटमेंट हैज़ हैजू बी एग्जामिड वेरी केयरफुल इन पार्ट सबसे पहले क्या बोला गया है कि ये जो कन्वेंशन है ये मेन इंटरनेशनल कन्वेंशन है प्राइमरी कन्वेंशन है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो कि मरीन इन्वायरमेंट में होता है यानी ओशन के अंदर जो पॉल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ शिप्स शिप्स के ऑपरेशनल यूजेस से यानी कि शिप्स के ऑपरेशन हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह शिप मूव कर रही है अपने रूटीन ऑपरेशन में या फिर एक्सीडेंटल कॉजे शिप्स का एक्सीडेंट हो गया है ऑयल लीक हो गया है टैंकर कॉल्यूशन हो गया है एक्सप्लोजन हो गया है ये जो एक्सीडेंट है या जो रूटीन ऑपरेशन है शिप्स का इससे जो भी पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए कन्वेंशन लाई गई थी दिस इज एपसोलूटली करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट इट इज इन्फोर्स बाई इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन आई एम ओ यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज बॉडी है आई एम ओ इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंडेट है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड ऑर्डर में शिपिंग को नेविगेशन को किस तरीके से रेगुलराइज करना है किस तरीके से उसको गवर्न करना है इसको लेकर के रूल्स और प्रोटोकॉल्स बनाने का काम आईएमओ करता है सो so, आईएमओ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन को इंश्योर करने के साथ साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी मैरीटाइम पॉल्यूशन ये सारी चीजें जो है वो भी आई के जोरिस्डिक्शन में आती हैं ठीक है थर्ड स्टेटमेंट द कन्वेंशन हैज थ्री एन थ एयर वॉटर एंड नॉइज पॉल्यूशन एमिनेटिंग फ्रॉम शिप्स की इस कन्वेंशन के अंदर थ्री सेपरेट एनएक्सेस है एनेक्सेस का मतलब यहां पर आप मान सकते हैं लिस्ट एंड दीज थ्री लिस्ट दे आर कंसर्ड विद वन विद एयर वन विद वॉटर एंड वन विद नॉइज पॉल्यूशन दैट इज कमिंग फ्रॉम शिप्स करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर सिर्फ हमारी फर्स्ट टू स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल सही एम है मरीन <coughs> एनवायरनमेंट में शिप्स होने वाला पोल्यूशन रोकना है और आईएमओ इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करती है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस एनेक्सेशन दिस कन्वेंशन हैज टोटल सिक्स एनेक्सेस एंड दे

करंटली जो इशू है उसकी हम बात करते हैं एक जर्नल है साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है बहुत फेमस जर्नल है जो कि इन्वायरमेंट और साइंस से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं उनको सामने लेकर आता है एंड अ रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड इन दिस जर्नल विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स इंक्रीज मरीन पॉल्यूशन कमिंग फ्रॉम शिप्स बिकॉज ऑफ अ डिसीजन दैट हैज बिन टेकन बाई आई आईएमओ ने एक डिसीजन लिया एंड दिस डिसीजन वाज टेकन अंडर दी मारपोल कन्वेंशन तो सबसे पहले तो ये मारपोल कन्वेंशन के बारे में हम आपको बैकग्राउंड दे देता हूं 73 में 1973 में सबसे पहले मारपोल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था राइट सो देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल दी मेंबर स्टेट्स उस कन्वेंशन convention. Convention में माना गया कि मरीन एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है शिप्स की वजह से और उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं वो सारी चीजें पूरे कन्वेंशन में डाली गई इसके बाद सेवेंटी थ्री के बाद बहुत बार इस कन्वेंशन को अमेंड किया गया इसमें नई चीजें नए प्रोटोकॉल्स नए रूल्स को ऐड किया गया है और टोटल सिक्स एनेक्सेस डाले गए इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर एंड दिस सिक्स्थ एनेक्स द लास्ट एनेक्स व्हिच वाज अडॉप्टेड इन 1997 और 2005 से फोर्स में आ चुका है ये एनेक्स जो है वो एयर पोल्यूशन पे फोकस करता है कि Ships से एयर पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए मरीन पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन शिप से, जो होता है, वो भी से होते हुए दोबारा ओशन में ही जाते हैं तो एयर पोल्यूशन भी रोके ये हमने के अंदर कवर किया था ध्यान रखना है इसका सो देर आर टोटल सिक्स टेक्निकल एनेक्सेस एंड दीज सिक्स एनेक्सेस कौन कौन से भी हम बात भी करेंगे तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बैकग्राउंड में आपको पता होनी चाहिए फिर रिसेंटली मारपोल ने एक डिसीजन लिया था वो डिसीजन क्या था इस convention के अंदर कि हमने को थोड़ा सा amend कर दिया, और में हमने और प्रोविजन डाल दिया कि emissions को कम करना पड़ेगा, रनिंग ऑन डिफरेंट करें जिसमें सल्फर कम हो या फिर अगर आप जो एमिशन कर रहे हैं उस एमिशन में सल्फर बहुत कम होना चाहिए और इस रूल को बोला गया आई एम ओ क्योंकि ये रूल एक जनवरी फर्स्ट जनवरी 2020 से पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट हो गया है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि वर्ल्ड में कहीं भी शिप चला रहे हो उसमें शिप के अंदर जो फ्यूल है उस फ्यूल के अंदर जो सल्फर है दैट सल्फर शुड नॉट बी मोर देन 0.5 मास बाय मास यानी अगर एक के आप आ, वन थाउजेंड ग्राम्स का अगर आप फ्यूल आ, जो है बर्न कर रहे हैं तो उसमें एक ग्राम जो है आपका आ, वो आ, सल्फर नहीं होना चाहिए पॉइंट फाइव ग्राम के अराउंड आपका सल्फर होना चाहिए इस तरीके की बातें थी इस पूरे रूल के अंदर और ये जो चीज है ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है ये जो थ्रेश है ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है इन सर्टन एरियाज विच आर नोन एज एमिशन कंट्रोल एरियाज सो so, आईएमओ ने बेसिकली क्या कहा आईएमओ ने कहा है कि देखो वर्ल्ड में दो तरीके के एरियाज होंगे एक एरिया होगा एमिशन कंट्रोल एरिया एरिया एक area होगा इज नॉट एमिशन कंट्रोल एरिया यानी इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल एरियाज सो ऑलरेडी जो एमिशन कंट्रोल एरियाज हैं इन एरियाज में आपका आर्कटिक ओशन आता है आर्कटिक सर्कल आता है एंटार्टिक सर्कल आता है मेडिटरेनियन सी के कुछ रीजन आते हैं तो ये जो आपका ए, 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 एमिशन कंट्रोल एरिया है इसके अंदर आपके सल्फर एमिशन पॉइंट वन परसेंट से कम होनी चाहिए और बाकी नॉर्मल एरियाज में पॉइंट परसेंट से कम आपका सल्फर एमिशन होना चाहिए फ्यूल के अंदर और अभी जो करंटली लिमिट थी वो 3.5 परसेंट थी यानी कि बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन 3.5 परसेंट से 0.5 परसेंट कर दिया गया है तो ये जो रिडक्शन है बहुत फायदा करेगा इस रिडक्शन की वजह से जो सल्फर 2020 का मिशन है हमारा इस मिशन के अंदर हमने सोचा है कि सल्फर पोल्यूशन हम बिल्कुल कम कर देंगे उससे ओजोन को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है वो एसिडिफिकेशन नहीं होगा ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आएगी ये सब चीज़ें इस पूरे कन्वेंशन से जो है वो इस पूरे आ, आ, अपडेट से सही हो गई क्लियर लेकिन नुकसान क्या हुआ नुकसान ये बोला जा रहा है कि देखो जितनी शिप्स हैं

एग्जॉस्ट स्क्रबर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, है धुआं निकल, निकल रहा है उस एग्जॉस्ट को साफ करके फिल्टर आउट करके सल्फर बाहर लेता है इस पूरी कंडीशन को मीट करने का तो यहां पर गड़बड़ हो गई बहुत सारी शिप्स ने एग्जॉस्ट स्क्रबर्स को यूज uh, किया और इन एग्जॉस्ट स्क्रबर्स में भी देयर इज अ काइंड ऑफ एग्जॉस्ट स्क्रबर विच इज ओपन लू विच इज बेसिकली स्क्रबर जो की Uh, uh, धुएं से एयर से सल्फर को निकाल करके जो भी हम फ्यूल बंद कर रहे हैं उसका जो एग्जॉस्ट है उसे सल्फर निकाल करके वाटर में मिक्स करके दोबारा उसे सी के अंदर डंप कर देते हैं तो बेसिकली हम अब एयर के अंदर सल्फर नहीं छोड़ रहे हम डायरेक्टली वाटर के अंदर सल्फर छोड़ रहे हैं और यह बड़ी प्रॉब्लम निकलकर सामने आई है आई नो दिस इश्यू हैज बीन कॉम्प्लीटेड टू अटन एक्सटेंट इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं सल्फर ऑक्साइड्स के एमिशन को सल्फर एमिशन को कम करने की जरूरत थी कम करने की जरूरत के लिए क्या किया गया आईएमओ ने कहा कि ऑल द शिप्स विच आर रनिंग ऑन इंटरनेशनल ओशन इंटरनेशनल मैरिटाइम रूट अब उनको क्या करना है उनको वही सल्फर फ्यूल यूज करना है जिनमें पॉइंट फाइव परसेंट से कम सल्फर हो ठीक है ताकि आपका सल्फर एमिशन कम हो जाए इसके बाद शिप्स पे जब ये पॉइंट फाइव परसेंट का थ्रेश होड लगा दिया गया नाओ द शिप्स देवर एनकरेज टू यूज द लाइट सल्फर फ्यूल एंड नॉट टू यूज दी सल्फर फ्यूल बट बिकॉज ऑफ दिस मेनी शिपिंग कंपनीज बिकॉज दे वॉन्टेड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट उन्होंने लाइट सल्फर फ्यूल को यूज नहीं किया क्योंकि ये कॉस्टली है उन्होंने एग्जॉस्ट स्क्रबर इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए अपनी शिप के ऊपर एंड दीज स्क्रबर्स दे आर बेसिकली मेंट टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर आउट द सल्फर फ्रॉम द एग्जॉस्ट और ये एग्जॉस्ट स्क्रबर क्या करते हैं कि वो सल्फर को फिल्टर आउट करके दोबारा ओशंस के अंदर डायरेक्टली डंप कर देते हैं और इससे मेरी टाइम जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है और ज्यादा उसकी जो स्थिति है वो खराब हो रही है ये चीज इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मारपोल कन्वेंशन का पता होना चाहिए आपको जो नया आई एम रूल आया है जहां पर सल्फर की लिमिट लगाएगी

पोल्यूशन बाय नॉक्शियस लिक्विड सब्सटांस इन बल्क द शिप्स दे कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर और उसमें बहुत सारे ऐसे लिक्विड सब्सटांस हो सकते हैं जो कि नॉक्शियस हों जो कि एनवायरमेंट को इको सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकें, देन थर्ड एनेक्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय हार्मुलिसरिड बाई सी इन पैकेज फॉर्म पैकेज फॉर्म के अंदर बहुत तरीके के फूड uh, आइटम्स हो सकते हैं मेडिसिन हो सकती हैं ड्रग्स हो सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए इकोसिस्टम के लिए uh, नुकसानदेह हो सकते हैं ships, ships, various, uh, ships उनके अंदर जो क्रू होता है वो क्रू अपना सीवेज जनरेट करता है ह्यूमन एनिमल वेस्ट जनरेट करता है वाटर के अंदर और उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है पॉल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम शिप्स वट एवर लेटर इज बिंग जनरेटेड उसको ओशन के अंदर नहीं सीधा फेंकेंगे उसको डिस्पोज करने का कुछ तरीका होगा एंड फाइनली सिक्स एनेक्सेस फॉर एयर पॉल्यूशन दैट इज कमिंग फ्रॉम शिप्स ऑल दीज सिक्स एनेक्सेस दे मेक अप मार्पोल कन्वेंशन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी थ्री क्लियर अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ दिस क्वेश्चन इज अबाउट दिस एक्वेटिक एनिमल नोन है सीले कैं अ स्पीशीज ऑफ फिश एंड इट हैज बीन रिसेंटली सीन अ न्यूज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी स्पीशीज इज इन करेक्ट गलत स्टेटमेंट क्या है वो चीज आपको यहां पर आइडेंटिफाई करनी है फर्स्ट स्टेटमेंट से इट इज अ डीप वॉट ऑफ फिश अप टू ट्वेंटी सी सर्फेसौ फीट नीचे जाने के बाद डीप वॉटर के अंदर स्टेटमेंट बी से अमंगली स्टेप्स ऑफिज एवोल्यूशन टू द टेरेस्ट्रियल फोर एनिमल्स एंड ऑप्शन डी सेफिक अब सिलेकेंट के अगर हम बात करें तो ये एक लिविंग फॉसिल है बिल्कुल सही बात है ये एक ऐसी स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल है विच हैज बीन इन एक्जिस्टेंस सिंस 400 मिलियन ईयर्स, ठीक है और ये जो आपका सिलेकेंट फिश है इट इज फाउंड इन इंडियन ओशन ओनली नॉट इन द पैसिफिक ओशन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्योंकि ये हमारी इनकरेक्ट <coughs> स्टेटमेंट है राइट right? सो so, सिलाकैंथ इज एन एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज ऑफ फिश और उसके कुछ जो स्पेसिमेंट्स uh, हैं वो नए स्पेसिमेंट्स इंडियन ओशन में हम लोगों को मिले हैं इसलिए हमसे स्पीशीज uh, की बात कर रहे हैं डीप सी क्रीचर है 2300 फीट द सी सरफेस मिलता है और करंटली दो स्पीशीज को ह्यूमंस ने डिस्कवर किया है एंड दीज टू स्पीशीज वन इज लिविंग अलोंग द ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट जो कीनिया मेडागास्कर के अराउंड का जो इंडियन ओशन है वहां पर डीप ट्रंचेस में आपको एक क्रीचर uh, मिलता है और इसके साथ इंडोनेशिया आईलैंड की तरफ जो ओशनिक पार्ट है वहां पर आपको ये फिश मिलती है इंपॉर्टेंस क्या है इस फिश की इट इज अ वेरी एंशियंट स्पीशीज राइट सो इट हैज हैज इट्स ओरिजिन बीन ट्रेस्ड बैक अप टू 400 मिलियन इयर्स और ये जो स्पीशीज है इसको बोला जा रहा है कि फिशेस का एवोल्यूशन किस तरीके से टेट्रापॉड्स में हुआ है व्हाट आर टेट्रापॉड्स टेट्रापॉड इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड टू डिनोट एनिमल्स और यूज्ड टू डिनोट ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव फोर लिम्स इन फोर लिम्ब्ड ऑर्गेनिजम्स में हमारे मैमल्स आते हैं बहुत सारे लगभग ऑल देयर आर बर्ड्स एंड आर आर रेप्टाइल्स राइट नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेट्रापॉर्ट ग्रुप इसका पार्ट इस ग्रुप का पार्ट नहीं है लेकिन टेट्रापो जो है ऑल मैमल्स बर्ड्स एंड कॉमन एंसेस्टर एंड दिस एंसेस्टर वंस

इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बता देता हूं सिविस टाइप के एक्साइटिंग कोर्सेज के बारे में जिसमें हमारे 2022 का हमारी कोर्स हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया है और हमने हमारी क्रैश कोर्स ऑफ 2021 उस पे आपको एक्साइटिंग 50 परसेंट डिस्काउंट ऑफर कर दिया है सो जो भी एस्पिरेंट्स 2021 के प्रीलिम्स के पोस्टपोन होने के बाद अपनी तैयारी को नया रेजुविनेशन देना चाहते हैं नया बूस्ट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो इस क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस इन अबाउट फाइव यू आर गोइंग टू गेट ए

सॉरी एंड दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर थ्री राइट सो सुंदरलाल बहुगुना जी रिसेंटली ही पास एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ये आपको बताना है यहाँ पर ही वॉज अ वेरी रेनाउंड पर्सनैलिटी पद्म भूषण रहे हैं वो uh, इंडिया में और उनकी एसोसिएशन किस मूवमेंट के साथ है बिश्नोई मूवमेंट चिपको मूवमेंट जंगल बचाओ आंदोलन या अपी को मूवमेंट करेक्ट आंसर एंड अ वेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो दैट इज यो मूवमेंट नॉट बिश्नोई मूवमेंट बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चिपको मूवमेंट चिपको मूवमेंट के साथ सुंदरलाल भोगुना जी जो है एसोसिएटेड रहे थे एंड इसी मूवमेंट के सक्सेस के बाद दिस सुंदरलाल भोगुना जी ही रोज टू इंटरनेशनल फेम ऑल्सो और इन्होंने चिपको मूवमेंट को इनिशिएट किया था टू गार्ड दी फॉरेस्ट ऑन हिमालयन स्लोप्स ऑफ उत्तराखंड जिस टाइम पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे उत्तराखंड के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है करंटली दैट वाज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश दिस इंटायर रीजन वाज उत्तर प्रदेश स्टेट और उत्तर प्रदेश स्टेट के इस चमोली जिले के अंदर चिपको मूवमेंट इन्होंने इनिशिएट किया इन्होंने कहा कि जो भी हिल्स स्लोप्स के ऊपर ट्रीज हैं वो ट्रीज हम काटने नहीं देंगे और उन्होंने अपने पूरे विलेज के लोगों को स्पेशली वीमेन को मोबिलाइज किया और उन्होंने ट्रीज को जाकर हग करना स्टार्ट किया चिपको विच बेसिकली मीन्स टू हग और टू इम्ब्रेस सो ऑल दीज विलेजेस दे वेंट ऑन एंड दे इम्ब्रेस द ट्रीज उन्होंने ट्रीज को गले लगा लिया उनको घेर के खड़े हो गए सो दैट ऑल दीपल हु आर देयर टू कट दीज ट्रीज दे वर नॉट एबल टू डू सो सो दिस वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी गांधीयन स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट एंड ही वॉज हिमसेल्फ अ गांधीयन जो नॉन वायलेंट तरीका है अपने नेचर और अपने राइट्स के लिए लड़ने का वो चीज़ इन्होंने पॉपुलराइज़ की इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि देखो इकोलॉजी को छोड़ करके हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की केयर छोड़ करके हम सिर्फ इकोनॉमी के पीछे नहीं जा सकते हैं एंड सिमिलरली ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी टेहरी डैम विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर भागीरथी इन दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नाउ इट इज उत्तराचल ऑब्वियसली उत्तराखंड ऑब्वियसली बट दैट टाइम इट वॉज उत्तर प्रदेश और उन्होंने कहा कि ये जो आप टेहरी डैम बना रहे हैं इससे भी बहुत सारे एकड़ जो हैं उत्तराखंड की हिमालयन uh, रीजन के वो सबर्ज हो जाएंगे और उन्होंने एक इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक किया 50 डेज 56 डेज के लिए वो फास्ट पे भी चले गए थे ऑल्दो ही नॉट एबल एबल टू टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम बट स्टिल ही द गवर्नमेंट टू मेक सम चेंजेस इन द प्लान ऑफ द डैम सो दैट द डैमेज टू द इनवायरमेंट इज मिनिमाइज इन्होंने एक पदयात्रा निकाली कश्मीर टू कोहिमा 4800 किलोमीटर इन्होंने वॉकिंग डिस्टेंस जो है उसको कवर किया और हिमालयन रीजन के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस को जो है बढ़ाने का काम किया ही वॉज ऑल्सो वोकल अबाउट द बीच बीच बचाओ आंदोलन इन हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड ही वॉन्टेड टू सेव गार्ड दी लोकल क्रॉप विच आर ग्रोन इन द हिमालयन रीजन एंड वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन टू थाउजेंड एंड नाइन राइट उ चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं 1973 में स्टार्ट हुई है ये मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है और बहुगुना जी की जो लाइफ है वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले फिल्म के लिए सो so, चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ है पता होनी चाहिए यहां पर जो चिपको मूवमेंट हुआ था इसमें कौन से ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी वो आपको पता होना चाहिए और ग्रासरूट एक्टिविट एक्टिविज्म से किस तरीके से आप पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नॉट ओनली अबाउट एनवायरमेंट बट अबाउट वेरियस अदर कॉजे ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट तो जब भी अगर आपको मेन्स में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे एथिक्स के के अंदर या इकोनॉमी के पेपर के अंदर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के टॉपिक से जुड़ा हुआ जहां पे किस तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन पीपल्स पीपल्स इन्वॉल्वमेंट और मूवमेंट कैन शेप पब्लिक पॉलिसी उस पूरे चमोली रीजन के अंदर जो ट्री फेलिंग हो होने जा रही थी, उसको तो रोक दिया गया साथ ही साथ ये हिमालय के अंदर सॉरी एनी डिग्री ऑफ मोर देन थर्टी जो स्टीपर स्लोप्स हैं या फिर ऐसे लेवल uh, से ज्यादा वहां पर हम डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे गई ट्री फेलिंग को बैन कर दिया गया है एंड रिसेंटली अभी कुछ सालों पहले आ, uh, इस ट्री फेलिंग को दोबारा स्टार्ट किया गया बिकॉज अब ऑब्वियसली हमारा ध्यान एनवायरमेंट की तरफ कम होता जा रहा है और इकोनॉमी की तरफ ज्यादा होता जा रहा है इसी के साथ आई ऑल्सो लिस्टेड सम अदर मूवमेंट्स विच टू प्लेस इन इंडिया इन दी रिसेंट पास्ट दिस इंक्लूड्स क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक सॉरी राइट टू ब्रीद सेव आर एट इन टू थाउजेंड नाइनटीन ऑल दिस क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक जो है वो इंडिया की मेट्रो सिटीज में स्टूडेंट्स ने यंग लोगों ने निकाला था और यहां पे क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट्स को अपील uh, किया दैट दे शुड टेक मोर स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग देन राइट टू ब्रीथ अगेंस्ट न्यू पॉल्यूशन इन दी सिटी ऑफ न्यू डेली सेव आर ए वेरी पॉपुलर मूवमेंट इन दी सिटी ऑफ मुंबई वेयर देर इज दिस आर ए फॉरेस्ट कॉलोनी एरिया विच इज डेंसली कवर्ड विथ ट्रीज और उस एरिया के अंदर एक मेट्रो शेड कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे जो अगेन लोगों ने प्रोटेस्ट किया सेव दिखाई ंग पटकाई दी तुम तीन सुखिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टू प्रोटेस्ट दी ओपनिंग ऑफ एन ओपन कोस्ट ओपन कास्ट माइन उसको रोकने के लिए यहां पर uh, ये मूवमेंट किया गया था बिश्नोई मूवमेंट अ वेरी ओल्ड मूवमेंट सेवेंटीन में मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन राजस्थान स्टेट एट दैट टाइम इट वाज और वहां पर जो है खेजराली और मारवाड़ रीजन में अगेन ट्रीज को बचाने के लिए खेजरी ट्रीज बेसिकली उनको बचाने के लिए मूवमेंट हुआ एंड देन आपको मूवमेंट इन इन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट है कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री ऑफ टीक एंड यूकेलिप्टस ट्रीज एट दी कॉस्ट ऑफ लोकल एंडेमिक ट्री स्पीसी क्लियर

प्रोटेक्टेड प्लेनेट जो रिपोर्ट्स है ये एनियल रिपोर्ट्स हैं हर दो साल के बाद ये रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं बाय यूएनईपी एंड आईसीए क्यों पब्लिश की जाती हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज हैं सर्टन एरियाज इट लैंड एरियाज और मरीन एरियाज विच हैवर्नमेंट एज प्रोटेक्टेड एरियाज उनकी प्रोग्रेस के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर जानकारी दी जाती है और बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के रिपोर्ट ज्यादा जो है फोकस्ड रहती है टू ट्वेंटी ट्वेंटी का जो एडिशन है जो लेटेस्ट एडिशन निकल कर आया है इसमें आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स नंबर इलेवन इसके ऊपर फोकस रख करके फाइंडिंग्स दी गई हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं व्हाट इज आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट आईची टारगेट्स, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स और एबीटी इसको अलग अलग नाम से जानते हैं ये स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी ट्वेंटी इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी ये टेन ईयर डेकेडल प्लान था इस डेकेडल प्लान का पार्ट है ये डेकेडल प्लान किस चीज का है 2010 में इस प्लान को अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 1992 के रियो समिट में इस कन्वेंशन को भी जो है uh, अडॉप्ट किया गया इस कन्वेंशन को निगोशिएट किया गया और इस कन्वेंशन की मीटिंग्स हुई जो मीटिंग 2010 में हुई थी दैट वाज़ द टेंथ मीटिंग ऑफ दिस कन्वेंशन एंड इन दिस मीटिंग इन 2010 इट वाज़ डिसाइडेड कि हम 2020 तक कुछ टारगेट्स को अचीव करेंगे और उसमें से एक टारगेट क्या है कि हम एटलीस्ट 17 परसेंट लैंड एरिया जो है उसको एंड 10 परसेंट कोस्टल एंड मरीन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कन्वर्ट करेंगे राइट दैट इज दे वुड बी कवर्ड एज नैशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मरीन पार्क जहां पर गवर्नमेंट जो है कुछ तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट को ऐसा हमने टारगेट दिया है और इसी टारगेट की प्रोग्रेस के ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई है आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट सी यूपी जो इस कन्वेंशन का होने वाला है कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में होने वाला है चाइना के अंदर

प्रोटेक्टेड बाई द इंडियन गर्वमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू तो ये क्या है ये हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ठीक है तो इनको तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकी देखभाल करता है फॉरस्ट गार्ड फॉरस्ट रेंजेस एंड ईच एंड एवरी फंडिंग इज गिवन टू दीज एरिया बट देर आर सर्टन अदर एरिया जिनकी प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन कंदर, uh, के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट स्टिल कुछ अलग स्ट्रेटेजीज लगा के हम इन एरिया को कंजर्व करते हैं जैसे कि कम्युनिटी रिजर्व हो सकते हैं Certain reserves, certain areas, they are uh, protected or they are conserved by the local population as well.

एक्टिव एंड आर क्वाइट एंथिक टू प्रोटेक्ट द इनवायरमेंट एंड टू कन्वर्ट दैंड और वॉटर एरिया और इस रिपोर्ट में ही बोला गया है कि हमें नए कंजर्व एरिया को अगर बनाना है या जो नए कंजर्व एरियाज हम डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर लोकल कम्युनिटीज प्राइवेट पीपल यानी कि प्राइवेट सेक्टर को और इंडिजिनस पीपल को द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड उन सबकी जो जरूरतें हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर काम करना चाहिए ठीक है तो ये इस रिपोर्ट की बात हो गई अब इसी के लिए आपका एक होमवर्क क्वेश्चन जुड़ा हुआ एसोसिएटेड वी करेंटली टॉक अबाउट द प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी विच इज रिलीज बाई यू एन ईपी एंड इन कोलाबोरेट रिपोर्ट प्रोटेक्टेड प्लान रिपोर्ट हमने देख लिया प्लेनेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है वो चीज आप मुझे फटाफट कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसी के साथ हम अपना जिज्ञासा का इन्वायरमेंट का सेशन यहां पर आज कंक्लूड करते हैं फ्यूचर ऑल्सो विद करंट एफेयर फ्रॉम वेरियस द प्रीवियस वीक तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद